नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मोटिवेशन में। दोस्तों, अपने पास है ये ओप्पो का F11 Pro मार्वल एवेंजर एडिशन, जो कि एक अभी नया एडिशन इसका आया है और यहाँ पे इसका कुछ बॉक्स आपको ऐसा देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सामने की तरफ फ्रंट में एवेंजर का यहाँ पे एक लोगो दिया हुआ है और पीछे भी यहाँ पे कुछ स्पेक्स वगैरह इसके दिए हुए हैं। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 28,000 में ये मिलता है और 128 GB स्टोरेज साथ में आपको इसमें देखने को मिलता है। तो फटाफट सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि स्टैंडर्ड एडिशन से क्या इसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। तो ऐसा बॉक्स अपने को ये देखने को मिलता है, जिसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। और बॉक्स को ऐसे ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कलेक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे कलेक्शन सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे एवेंजर का ये बेस दिया हुआ है एक, जिसको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। और बाहर निकालने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसको काफी मतलब ये भारी लगता है। अभी इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एवेंजर का एक ये बेस दिया हुआ है, पीछे लिखा हुआ है मार्वल एवेंजर एंड गेम ऑनलाइन थिएटर। तो यहाँ पे ये काफी मतलब अच्छा लगता है। और यहाँ पे कुछ आपको लोगो भी दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको थोर का दिया हुआ है, ये जो हथौड़ा आता है ये दिया हुआ है, यहाँ पे शील्ड दी हुई है कैप्टन अमेरिका की, यहाँ पे बात करें तो आयरन मैन का दिया हुआ है, हल्क वगैरह के सब कुछ आपको ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन सर्टिफिकेट आपको इसमें देखने को मिलता है, तो काफी अच्छा ये देखने को लगता है। और अगर इसकी बात करें पीछे की तरफ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्वल एवेंजर एंड गेम और यहाँ पे अपने हल्क वगैरह की, आयरन मैन वगैरह की सबकी फोटो दी हुई है, थोर की भी यहाँ पे ये दी हुई है। नया वाला जो हथौड़ा उसको मिला था अभी इन्फिनिटी वॉर में मिला था शायद, ये उसका ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब कुछ यहाँ पे ये कलेक्शन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, काफी अच्छा है। यहाँ पे अपना बॉक्स में और चीजें देखेंगे तो ये मेन अपना फोन दिया हुआ है, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाद में इसको देखेंगे इसमें क्या नया देखने को मिलता है। उससे पहले बॉक्स में देख लेते हैं और क्या चीजें मिलती है। यहाँ पे एक कवर दिया हुआ है जिसको हम हटा लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो काफी शानदार अल्टीमेट आपको ये केस देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे एवेंजर का, इसमें अगेन एक आपको लोगो टाइप देखने को मिलता है। और पीछे से यहाँ पे देखेंगे तो आपको मोबाइल होल्डर स्टैंड टाइप को यहाँ पे लगेगा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है केस, जो कि काफी कमाल का है। तो आप इसको होल्ड करके आराम से अपना फोन यूज कर सकते हैं एक हाथ से, और इसको मोबाइल स्टैंड की तरह से इसको घुमा सकते हैं और अपना मोबाइल फिट करके यहाँ पे आप इसको ऐसे कुछ रख भी सकते हैं, स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन बाय ओप्पो, तो काफी शानदार और अच्छा क्वालिटी का ये केस आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इसको बाद में लगा के हम लोग देखेंगे, बाकी देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे एक अपने को चार्जर देखने को मिलता है, जिसका रेटिंग वही आउटवोल्ट 5 वोल्ट 4 एम्पियर का है। और अगेन एक वही जो आपको ओप्पो F11 Pro स्टैंडर्ड एडिशन में मिलती है, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल मिलती है। तो यहाँ पे आपको वूक 3.0 चार्जिंग टेक्नोलॉजी साथ में देखने को मिलेगी, फास्ट चार्ज हो जाएगा आपका ये ओप्पो F11 Pro। और यहाँ पे एक अपने ईयरफोन्स भी दिए हुए हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी का अभी लग रहे हैं। बाकी बॉक्स में अगर देखेंगे तो एक कवर और दिया हुआ है यहाँ पे। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये सब अपने को इन्फॉर्मेशन गाइड वगैरह दिए हुए, सिम इजेक्टर टूल वगैरह, वारंटी कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों को रख देते हैं साइड में। बॉक्स में और कुछ यहाँ पे ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि मेन अपना है ये स्मार्टफोन। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट लुक आप देखेंगे तो भाई अल्टीमेट, काफी शानदार। यहाँ पे आपको जो ग्लास बॉडी फिनिश टाइप कुछ प्रीमियम फीलिंग आएगी आपको देखने को इसमें मिलेगा। और यहाँ पे इसको एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ, और इसको हटाने के बाद आप देखेंगे कि बोल्ड रेड कलर में यहाँ पे एवेंजर का जो लोगो है आपको वो दिया हुआ है। यहाँ पे ओप्पो का ब्रांडिंग किया हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, और यहाँ पे एक एवेंजर का यहाँ पे लोगो टाइप है, यहाँ पे एक और दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रीमियम लगता है अगर स्टैंडर्ड एडिशन से कंपेयर करें तो। यहाँ पे काफी कमाल का ये ओप्पो का आपको मार्वल एवेंजर एडिशन देखने को मिलता है। एक बार के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसका फिजिकल और भी साथ में आपको दे देता हूँ। बाकी और भी चीजें इसमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट साइड में तो ये जो पावर ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बीच में यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे ये रेड दिया हुआ है बटन। तो ये भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज है इसका जो अल्टीमेट लुक है वो पीछे से नजर आता है। तो यहाँ पे काफी शाइन कर रहा है, आप देखिए अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ पे बोल्ड रेड कलर में एवेंजर का लोगो काफी कमाल का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें भाई काफी अच्छी देखने को मिलती है। फटाफट से मैं सेटअप इसका कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार के लिए, ताकि हम देख सके बाकी इसमें अंदर चल गए कि क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। इसका सेटअप यहाँ पे ओप्पो F11 Pro मार्वल एवेंजर एडिशन का ऑन हो गया है, सेटअप कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। और सेटअप कंप्लीट होने के बाद अगर आप इसका फर्स्ट लुक देखेंगे तो काफी ये कमाल का देखने को मिलता है। होम स्क्रीन पे आपको जो वॉलपेपर देखने को मिलता है, वहां पे एवेंजर का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ एवेंजर टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप यही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे भी, तो ये काफी अल्टीमेट अपने को लगता है जो एवेंजर के फैन वगैरह उनके लिए काफी कमाल की ये चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, तो वो काफी फास्ट है, मैंने अभी इनरोल किया इसमें।
और बाकी कुछ चीज़ें आपको क्या अलग देखने को मिलती है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेटिंग मेन्यू में जाएंगे तो अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ डिवाइस नेम, मॉडल नंबर दिया हुआ, कलर ओएस वर्जन 6, एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 5 पे ये भी सेम बेस्ड है तो लगभग आपको सेम फीचर देखने को मिलते हैं। रैम 6 GB के साथ 128 GB का स्टोरेज आपको साथ में देखने को मिलता है तो ये एक ज़्यादा स्टोरेज आपको साथ में देखने को मिलता है। 64 GB की जगह 128 GB देखने को मिल जाएगा। 105 GB यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर बात करें इसके कैमरा की तो वही 48+5 MP का ड्यूल रियर कैमरा अपने को देखने को मिलता है सेम स्टैंडर्ड एडिशन की जगह, और 16 MP का यहाँ पे ये फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा का एक सैंपल लेके देखते हैं यहाँ पे कुछ, और ये सैंपल इसका अपने कलेक्शन सर्टिफिकेट का ले लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी कमाल का ये लगता है। अभी देखिए आप, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो बाकी स्टैंडर्ड एडिशन में मैंने बहुत सारे सैंपल दिखाए तो वो सेम कैमरा आप वो वीडियो कंसिडर कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये था ओप्पो F11 Pro का मार्वल एवेंजर एडिशन, जहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी कमाल का लगता है और यहाँ पे ये काफ़ी शाइन करता है, पीछे से प्रीमियम फीलिंग आती है अपने को इसको यूज़ करने के बाद। तो अगर आप ओप्पो या फिर एवेंजर के फैन है तो आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।